और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है, काशीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और काशीपुर में नई गारंटियों की भी घोषणा करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड में ये पांचवा दौरा है, जो कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बैक टू बैक, इससे पहले भी चार दौरे कर चुके हैं और अब पांचवें दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे, कितने दिवसीय ये दौरा होगा और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस दौरे को लेकर? क्या जनसभा भी होगी जिसको संबोधित करेंगे? और जो गारंटियों की बात कही जा रही है, हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई सारे वादे और दावे कर चुके हैं, अब क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस पांचवें दौरे के? या बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 बजे काशीपुर पहुंच जाएंगे और 11 बजे के बाद से वो कई कार्यक्रमों में काशीपुर में शामिल रहेंगे। खास तौर पर महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं के लिए उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए, और क्योंकि राज्य का गठन जब हुआ था तो उस समय महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है, और ऐसे में 21 साल के इस उत्तराखंड राज्य में अभी तक महिलाओं को वो जगह नहीं मिल पाई है, चाहे राजनीति में कहें चाहे बाकी अन्य क्षेत्रों में, जो जगह उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, तो आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्य से पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कार्य किए गए हैं, उन तमाम कार्यों का आज प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और आगे क्या कुछ विकास किया जाएगा इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री, तो काशीपुर में नई गारंटियों की घोषणा भी करेंगे। तो इसी पर जरा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अजय, दौरे को लेकर क्या ज्यादा जानकारी है और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अरविंद केजरीवाल 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और काशीपुर में जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं और भारी तादाद में आम जनता भी वहां पहुंच रही है अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए कि वो आखिर यहां पर अब कौन सी बड़ी घोषणा करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल काशीपुर में महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए और किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा की घोषणा की है, वहां पर महिलाएं फ्री में यात्रा करती हैं और मेट्रो में फ्री में यात्रा करती हैं, तमाम सुविधाएं महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार दे रही है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज केजरीवाल आएंगे तो कोई बड़ी घोषणा उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले केजरीवाल जब भी आए पर ही उत्तराखंड में भी महिलाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि कितना कारगर साबित होता है अरविंद केजरीवाल का ये कदम। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.